डिंडोरी जिले के समनापुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत समर्धा गांव में वन भूमि पर मालिकाना हक को लेकर बैगा आदिवासियों व वन कर्मियों के बीच कल हुए विवाद को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते बैगा आदिवासियों के गांव पहुंचकर बैगा आदिवासियों का हाल जाना और वन कर्मी और आदिवासियों के बीच हुए विवाद को लेकर वन विभाग पर नाराजगी जताई। वहीं बैगा आदिवासियों का दावा है कि उक्त भूमि पर उनका करीब 20 वर्षों से कब्जा है और वे उस भूमि पर खेती करते आ रहे हैं, तो चाहे वन विभाग कुछ भी करे हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि वन कर्मियों के साथ हुए विवाद में एक बैगा आदिवासी महिला का हाथ फ्रैक्चर बताया जा रहा है, जिससे बैगा आदिवासियों में आक्रोश देखने को मिला है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने ग्रामीणों को लहलहाती फसलों के नुकसान का मुआवजा और वन विभाग से वन अधिकार का पट्टा दिलाने की बात कही है। कल समर्धा गांव के ग्रामीणों के साथ जो वन विभाग की टीम के साथ जो विवाद हुआ, मारपीट हुई है, पूरी फसलों को नष्ट किया गया है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर? देखिए, जो वन विभाग के द्वारा जो कार्य किया गया इनके साथ, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। अगर वन विभाग की जमीन थी, उनको नहीं देना था, इस प्रकार की कोई हरकत करना था, तो इससे पहले जब फसल डालने का समय था उस वक्त ही ग्रामवासियों को मना कर दिया जाना था, नोटिस देना था उनको, सरकारी जो प्रक्रिया है, जो वैधानिक कार्यवाही था वो करना था। गांव वालों के द्वारा बताया गया अभी मेरे से कि न तो वन विभाग के द्वारा कभी इनको मना किया गया, न ही तो किसी को किसी प्रकार की नोटिस दी गई, एकदम से आकर और उनके इतने लगभग 10 से 12 एकड़ ज़मीन में जो इतनी मेहनत करके इन्होंने फसल लगाया था, वो पूरे फसल का जो नुकसान किया गया है, बताया जा रहा है कि वो लोग हाथ से हसिया से भी कटाई की है और पूरे मवेशी के साथ में मारपीट भी किया गया है महिलाओं के साथ। एक महिला जो हमारी खड़ी है भाई, इनका हाथ भी फ्रैक्चर बता रही है, तो ये बहुत गलत है। इनका कहना है कि इनके साथ जो गलत हुआ, तो शासन को अगर इनका फसल का नुकसान किया गया है तो उनका मुआवजा देना चाहिए। डिंडोरी से राजेंद्र तंतुवाय की रिपोर्ट।